अपनी भी बता दो आपने हम तीनों की तो पूछ ली यार मैं तो जब इन्वेस्टमेंट चालू किया वेल्थ मैनेजमेंट में ही थी मतलब मेरा डिपार्टमेंट तो 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 ही कर रही हूँ अच्छा इन्वेस्टमेंट बेसिकली फ्यूचर पर ना कितने टाइम के लिए शांति रखनी चाहिए जिंदगी में इन्वेस्ट करने के बाद यार पता है क्या इन्वेस्टिंग कहते हैं जो पर्सनल फाइनेंस है ना वो बहुत पर्सनल होता है मतलब मेरे लिए कुछ और हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और तुम्हारे लिए कुछ और कैसे अब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ दस साल के लिए क्योंकि मुझे पैसा चाहिए सिर्फ रिटायरमेंट के लिए हो सकता है आपको अभी दो साल बाद कोई कैमरा लेना है बहुत हैवी इक्विपमेंट या स्टूडियो बनाना है तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो गई दो साल की उनको पाँच साल बाद घर लेना है उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो गई उनको दस साल बाद फॉरेन ट्रिप या पूरा यूरोप ट्रिप पे जाना है उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो गई तो पर्सनल फाइनेंस बहुत पर्सनल होता है तो आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो कि मैं ये हूँ मैं इतना कमा रहा हूँ और मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी है और मुझे इस वक्त ये पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो ये प्रॉपर हम एनालिसिस करते हैं पूरा फाइनेंशियल प्लान बनता है तब हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करे कहाँ नहीं करे तो ये जो हम क्विक मांगते हैं ना कि एक ना रियलाइजेशन भाई ये कोई बैठा है जिसने हमें सही गाइडेंस दिया है बहुत लोगों को ये गाइडेंस मिली हो एंड थैंक यू सो मच नेहा आपने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाला यार यार मेरे माइंड में एक चीज आ रही है अब ये नहीं

है ना hmm. बिजनेस का तो खैर अलग ही पूरा वो होता है आपका फाइनेंशियल बट जो आपकी ई है वो 40 परसेंट आपकी इनकम से कम होनी चाहिए hmm. कि अगर आपकी इनकम 100 से 50 ड्रॉप हो गई किसी महीने तो एटलीस्ट आप 40 परसेंट वो आप पे कर पा रहे हो एंड जितने भी बड़े बिजनेस है सब लोन पे चल रहे हैं तो आप आप तो कहते हाँ क्योंकि हमने भी सोचा था हम भी जैसे सोच रहे थे कि ले लेना चाहिए लोग करेक्ट करेक्ट बट आपको ना पता होना चाहिए कि आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में पे बैक हाँ। करने का पूरा आपके पास स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए कि आप भाए ऐसे ऐसे पे बैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तो जैसे घर है आपके पास एक करोड़ पड़े हुए हैं लेकिन आपको एक करोड़ घर लेना है एक करोड़ का तो अब क्या होगा कि घर जो आपको लोन पे मिल रहा है आठ के रेट पर मिल रहा है आपको थोड़ी बहुत मार्केट की नॉलेज है आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आप आराम से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू दस पंद्रह साल में बारह तेरह परसेंट का रिटर्न कमा लोगे तो यहाँ आपका आठ परसेंट जा रहा है वहाँ बारह आपको मिल रहा है तो आप बैंक का पैसा लेकर वो चार पाँच परसेंट का प्रॉफिट कमा रहे हो तो ऐसे केसेस में लोन जो है बेनिफिशियल होता है है ना बट अगेन आपको ये फाइनेंस के रूल्स फॉलो करने चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए हाँ ऐसा नहीं है लोन ले लिया तुमने गाड़ी भी ले ली ये भी ले लिया और वापस क्या करना उसका इंतजाम है नहीं <laughs>